दोस्तों, पिछले कुछ समय में साउथ इंडस्ट्री इतनी तेजी से तरक्की की है कि साउथ मूवी सिर्फ साउथ इंडियन ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पसंद किए जाता है। और समंथा इस फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी फैंस आज पूरी भारत में हैं। समंथा रुथ प्रभु आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, उनकी गिनती साउथ की दिग्गज अभिनेत्रियों में होती है। समंथा उन एक्ट्रेस में से एक है जो किसी भी फिल्मों को हिट कराने का दम रखती है। साउथ इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाली समंथा रुथ प्रभु भारतीय सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में समंथा रुथ प्रभु का लाइफस्टाइल के बारे में आपको कुछ रोचक जानकारी देंगे, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। समंथा रुथ प्रभु एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करती है। इसके साथ ही वो तमिल और तेलुगु दोनों फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है। फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने वाली रेवती के बाद दूसरी अभिनेत्री है। इनका जन्म 28 अप्रैल 1987 को भारत के तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था। ये एक ईसाई परिवार में जन्म ली थी। उनके पिता का नाम जोसेफ प्रभु है और उनकी माता का नाम नीनेट प्रभु। इसके साथ ही उनके परिवार में दो बड़े भाई हैं। समंथा ने अपनी शुरुआती शिक्षा होली एजर्स एग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की है। इसके पश्चात उन्होंने आगे की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए चेन्नई के स्टेला मैरिज कॉलेज में दाखिला लिया और यहां से उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में अपनी स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। दोस्तों, आपको बता दें कि समंथा पढ़ाई में बहुत ही होशियार रही है और कई बार वह अपनी क्लास में टॉपर भी बनी है। दोस्तों, आपको बता दें कि समंथा प्रभु ने शुरुआती में फिल्म जगत में आने का कोई विचार नहीं बनाया था, परंतु अपने परिवार की परिस्थितियों को संभालने और परिवार का आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उन्होंने मॉडलिंग का फैसला लिया था। इसके बाद जल्द ही उन्हें तेलुगु फिल्म डायरेक्टर गौतम वासुदेव मेनन ने अपनी फिल्म माया चेस्बे में वर्ष 2010 में उन्हें कास्ट कर दिया और इस प्रकार यह समंथा प्रभु की डेब्यू फिल्म बनी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही लोगों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बनाई और उन्हें उनकी पहली फिल्म के लिए साउथ फिल्म फेयर में बेस्ट डेब्यू का अवार्ड अवर नंदी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2010 में ही बिनाई फाड़ी वरुवाया से अपने तमिल फिल्म करियर की शुरुआत की और था ने अभी तक हिंदी सिनेमा में किसी भी फिल्मों में काम नहीं किया है, परंतु फिल्म पुष्पा में उनके द्वारा किए गए आइटम सॉन्ग ने उन्हें हिंदी दर्शकों में काफ़ी लोकप्रियता दिलाई है। इसके अलावा उन्होंने अमेजन प्राइम के वेब सीरीज द फैमिली मैन के दूसरे सीजन में रज्जी की भूमिका निभाई है और इसी सोशल मीडिया में उपलब्ध जानकारी के अनुसार समंथा की कुल संपत्ति 100 करोड़ है। मैं आशा करता हूं कि आपको समंथा रुथ प्रभु का जीवन परिचय पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके अपनी राय दें।